अब से 15-20 साल पहले तक बिरयानी यूजुअली नॉनवेज ही हुआ करती थी, लेकिन आजकल आपको दिल्ली NCR के हर गली मोहल्ले में वेज बिरयानी का एक ठेला मिल जाएगा। पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अभी भी यही कहते हैं कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये वेज पुलाव होता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपको दिखाएंगे कि ये सो कॉल्ड वेज बिरयानी आखिर बनाई कैसे जाती है और क्या ये वाकई में बिरयानी है या पुलाव ही है। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, भगोनों में तेल लिया जा रहा है और तेल यहाँ पर रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। चार भगोने हैं, चारों में तेल ले लिया गया है। देखिए तेल को गर्म कर लिया गया है और अब इन भगोनों में डाला जा रहा है गार्लिक पेस्ट। तो चारों ही भगोनों में अपना गार्लिक पेस्ट डाला गया है और अब इसके अंदर डाला जा रहा है जीरा और तेज पत्ता। अब इन तीनों चीजों को तेल में अच्छे से पकाया जाएगा कोई 5 से 6 मिनट तक और उसके बाद इनमें पानी डाला जाएगा। तो हर एक भगोने के अंदर 2 बाल्टी पानी डाला जा रहा है और जब चारों भगोनों में पानी डल जाएगा उसके बाद इन्हें ढक के रख दिया जाएगा और पकने के लिए। और उसके बाद इसमें डाला जा रहा है नमक, गरम मसाला और हरी मिर्च। और अब आ गई है सोयाबीन की वड़ियां। वेजिटेरियन डिशेज में नॉनवेज का अल्टरनेटिव दो ही चीजें होती हैं, सोयाबीन और पनीर। तो पहले इसमें सोयाबीन डाल दी गई है ढेर सारी, उसे मिलाया जा रहा है इन मसालों के अंदर और उसके बाद अब इसके अंदर उबले हुए चावल डाले जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी बाल्टियां भर भर के डाली जा रही है, देखिए उबले हुए चावल की भी। तो ढेर सारा चावल डाल दिया गया है, भगोने ऑलमोस्ट ऊपर तक भर दिए गए हैं। अब ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे आपस में अच्छे से मिलाई जा रही हैं और इन्हें भी ढक के रख दिया जाएगा और कोई आधे घंटे अभी और पकाया जाएगा। जब ये सब बढ़िया तरीके से पक जाएंगे उसके बाद देखिए इनके ऊपर डाला जाएगा केवड़ा, जो कि खुशबू देने के लिए डाला जाता है। तो चारों ही भगोनों में देखिए चावल के ऊपर ढेर सारा केवड़े का पानी डाला जा रहा है जिससे कि ये बिरयानी अपनी खुशबूदार बने। और केवड़े का पानी डालने के बाद अब इसमें डाला जा रहा है मटर। जहां तक मुझे पता है बिरयानी लेयर्ड प्रिपरेशन होती है, लेकिन इस वेज बिरयानी को बनते हुए देखकर ये बिरयानी कम पुलाव ज्यादा लग रही है। खैर, मटर डालने के बाद अब पनीर ले लिया गया है, पनीर को धुला गया है और अब पनीर डाला जा रहा है इसके ऊपर। आप क्वांटिटी देखिए, कितना सारा भर भर के पनीर डाला जा रहा है। कोई और ब्लॉगर होता तो ऐसा ही बोलता, लेकिन असलियत में आप ये देखिए नीचे चावल कितना है, उसके कंपैरेटिव पनीर कुछ भी नहीं डाला गया है। एक प्लेट में मुश्किल से 1 या 2 पीस आएगा पनीर का। और इसके बाद देखिए बिरयानी के ऊपर फूड कलर डाला जा रहा है। फूड कलर इसलिए डाला जाता है जिससे कि बिरयानी अपनी दिखने में टेम्पटिंग लगे। इसके बाद इन भगोनों को ढक दिया जाएगा, इन्हें ठेले में लोड कर लिया जाएगा जहां से इन्हें अलग अलग गली मोहल्ले में बेचा जाएगा। लेकिन अभी ये वेज बिरयानी तैयार नहीं हुई है, अभी तो ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स आने बाकी हैं गाइस, आप गिनते रहिएगा। तो अभी देखिए अपनी वेज बिरयानी की प्लेट लगाई जा रही है। सबसे पहले जो बिरयानी तैयार हुई है वो ली गई है, उसके बाद इसके ऊपर सोया चाप काटी जा रही है। सोया चाप काटने के बाद उसके ऊपर चाट मसाला छिड़का जा रहा है। अब इसके ऊपर डाली जा रही है इनकी स्पेशल लाल वाली चटनी। उसके बाद देखिए सोया चाप की ग्रेवी डाली जा रही है इसके ऊपर, और सोया चाप की ग्रेवी के बाद डाली जा रही है दही। दही के बाद इसके ऊपर डाली जा रही है प्याज। प्याज के बाद डाली जा रही है हरी चटनी, और उसके बाद अब इसके ऊपर नींबू निचोड़ा जा रहा है। नींबू निचोड़ने के बाद इसके ऊपर रखा गया है हरी मिर्ची का अचार, चम्मच लगाई गई है और इसके ऊपर अब कैरामलाइज्ड अनियन भी डाली जा रही है। आप खुद देख लीजिए कितनी चीजें डाल दी गई है एक ही प्लेट के अंदर। प्राइस होता है इसका एक प्लेट का 30 रुपए और टेस्ट भी ठीक ठीक ही होता है। लेकिन क्या इस चीज को सच में बिरयानी बोला जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है वो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।